The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ जिला विकास समन्वय निगरानी समिति द्वारा एक सभा आयोजित की गई। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, संजीव बालियान और जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में ये सभा आयोजित की गई। इस सभा में विकास कार्यों जैसे कि NH मामले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के बारे में चर्चा की गई। वहीं नंगला साहू मदरसे के बारे में जब संजीव बालियान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां के एक मदरसे में फर्जी तरीके से बच्चे दिखाकर सरकार से स्कॉलरशिप ली गई है। इस मामले में जल्द से जल्द जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट बाइट न्यूज को संजीव बालियान ने दी जानकारी, देखिए रिपोर्ट। देखिए दिशा की बैठक में सारे इश्यूज आते हैं, जहाँ भी केंद्र सरकार की कोई गवर्नमेंट होती है वो सब जल जीवन मिशन का है, जैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बारे में किस तरह से आए, या सड़कों का मामला है, NH के मामले हैं, या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मेरठ में बनने नमामि गंगे से, ये सब योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, जिन पर सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी राय दी है। कहीं काम शुरू है तो काम तेज करने के लिए कहा है। जो जो भी समस्याएं जनता की है वो अधिकारियों के समूह रखी है। अच्छा, नंगला साहू के एक मदरसे का मामला आया है, लगातार शिकायतें कर रहे हैं जी, सरकारी पैसा आपने भी नाराजगी जताई, क्या मामला, क्या उस पर? बिल्कुल ठीक बात है, उनकी बात सदस्य की बिल्कुल जायज है कि वहाँ एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर ही फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत, वो जब मदरसा पंजीकृत कराया गया, फर्जी बच्चे दिखा के, बच्चे हैं नहीं और उनकी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप ली जा रही है, तो इसमें जिलाधिकारी जी जांच करेंगे और जांच करके उसमें गिरफ्तारी भी होगी, सख्त कार्रवाई भी होगी। ये बहुत बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि सरकारी धन का एक तरह से गबन है, इसमें जो जो इन्वॉल्व है सबकी जांच। PWD के अभी हमने देखी कि तमाम सड़कों की बात की आपने, दिखाई कोई तो हिसाब बता दीजिए कहाँ से, तो देख रहे हैं कि किसानों का भी मुद्दा है, अभी भट्टीपुरा का भी मामला उठा था कि भाई वहाँ नंगला मल शुगर मिले और किसान जाते हैं वहाँ भी परेशान आते हैं, पपसाड़ की तरफ का भी, क्या PWD में ज़्यादा दिक्कतें हैं क्या? देखिए बीच में कुछ बरसात में ज़्यादा तो हुई, बरसात में सड़क, एक हमारी समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस वजह से ही है कि हमारे यहाँ गन्ने की सड़कें काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ सड़कें मंडी की, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सिंचाई की, कई बार इन विभागों का पैसा सड़कों का रेगुलर तरीके से नहीं आ पाया। मैंने मुख्यमंत्री से जब मेरठ आए, जब भी मैंने निवेदन किया था, उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि जो गन्ने की सड़कें हैं, जो कि गन्ने का पैसा नहीं आता, वो सब PWD को दे दी जाए, PWD एक नोडल बना दी जाए, सड़कों की जिम्मेदारी एक विभाग के पास रहेगी। अब किसान आएगा वो किसान 5 विभाग में जाएगा, किस विभाग की सड़क है तो उसे पता नहीं लग पाता, तो कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रामीण सड़कें हैं जो अलग विभागों के पास, उनमें ज़्यादा समस्या। एक आखिरी सवाल मेरा, अभी आपने शहर की जब समस्याओं की बात हुई थी तब ये कहा गया था कि भाई मेयर सही नहीं आओ, तो क्या निकाय चुनाव आ रहे हैं तो कुछ इस बार लग रहा है? देखिए बात जब निकल के आई तो नगर आयुक्त के पास कुछ बातें थी, तो हमारे एक सदस्य ने कहा, तो सच बात यह है कि हम मेयर इसलिए चुनते हैं कि मेयर इस बात का ध्यान रखेगा जो जनता की भावनाएं हैं, तो मैंने वही बात की कि भाई अगर आपको सब कुछ नगर निगम में ठीक करना है तो मेयर अच्छा से ले आओ, फिर मेयर से शिकायत कर सकेंगे, मेयर नगर आयुक्त से अपने आप बात करेगा, चूँकि नगर आयुक्त के अधिकार सीमित हैं, जब नगर आयुक्त से ऊपर मेयर बैठे हुए हैं तो बहुत से निर्णय मेयर को लेने होते हैं, तो अगर मेयर अच्छा होगा तो समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। वहीं पे एक हॉस्पिटल है जो पहले दूसरे नाम से चल रहा था, उसके बाद MDA की सील लगी और स्वास्थ्य विभाग ने अगले नाम से, मतलब नए नाम से उसकी परमिशन दे दी। देखिए मीटिंग में मुद्दा नहीं आया तो मेरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपने बताया तो मैं जानकारी जरूर दूंगा। दूसरा जो MDA है जो कॉलोनियों पर जब वो कार्रवाई करता है, सीलिंग की कार्रवाई करता है, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसमें निर्माण जारी रहता है, ये खेल तो बहुत पुराना है साहब, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ये खेल तो बहुत पुराना है और ये खेल कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसके खेल के रोकने की आवश्यकता है कि नोटिस काट दी जाती है और कॉलोनियाँ बनती जाती है, वो फिर जब घर बन जाते हैं तो किसी का घर क्या तोड़ा जाए, जनप्रतिनिधि भी एक समस्या है, तो इन पर रोक शुरू के स्तर पर लगनी चाहिए, जब कॉलोनी काटना है, जब लोगों के साथ चीटिंग हो उसी स्तर पर इनको रोका जाना चाहिए। तो ऐसे में जो लापरवाह अधिकारी, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए इस बैठक का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित